गाइस आज हम बात करेंगे क्लास 11th के प्रोजेक्ट के बारे में, बिजनेस प्रोजेक्ट सिक्किम से रिलेटेड एंड अकाउंट्स एंड इको प्रोजेक्ट नॉर्मल जो हम बनाते आ रहे हैं। सो हे गाइस, मैं हूँ हरवीन कौर और आप देख रहे हैं साइलेंट थॉट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने इसमें चैप्टर्स अलग करे जिसमें हम सिक्किम से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसमें जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, हम उसके बेसिस पर बना सकते हैं सिक्किम पर प्रोजेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ में जो इंडस्ट्री पार्ट है उसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि दिल्ली में मोस्टली सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड सिक्किम में मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज़ ही होती हैं। चैप्टर वन में ही एक कॉमर्स पार्ट आता है, उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, तो हम इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि सिक्किम में इंटरनल ट्रेड होता है मोस्टली कि विद इन कंट्री या विद इन स्टेट, बट दिल्ली में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। गाइस ऐसा नहीं है कि सिक्किम में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, या वहाँ पे सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी एडवांस हो रहा है, गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज हैं, बट हम ऑल ओवर बात करें कि वहाँ पे मेनली ऐसा होता है कि वहाँ पे रिमोट एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ कि कौन से चैप्टर में आप कौन से पॉइंट के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सो इस चैप्टर में मेनली है कि ई बिज़नेस के बारे में है ये चैप्टर, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि सिक्किम में मोस्टली ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और दिल्ली में ई बिज़नेस। मैं अगेन कहूँगी कि ये ऑल ओवर बात कर रही हूँ कि नॉर्मली वहाँ पे ई बिज़नेस नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। यही तो मेन प्रोजेक्ट है कि कंपैरिजन है कि सिक्किम थोड़ा रिमोट एरिया है और दिल्ली एडवांस है। सो गाइस नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस चैप्टर में बिजनेस के कैपिटल के सोर्सेज हैं कि बैंक लोन या पर्सनल। सो इसे हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि सिक्किम में मोस्टली लोन्स पे लोग डिपेंड होते हैं, या लैंडलॉर्ड से लोन या बैंक से लोन या गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड वहाँ लोग इतना पैसा नहीं लगा पाते अपने बिजनेस में, लाइक खुद का कैपिटल नहीं होता इतना, बोरोइंग कैपिटल ही होता है नॉर्मली। और दिल्ली में खुद का कैपिटल भी लगता है, बैंक से भी लोग लेते हैं लोन, बट यहाँ पे लैंडलॉर्ड वगैरह वाला सिस्टम नहीं है। एंड यहाँ पे लोग शेयर मार्केट में भी अपनी कंपनीज को रजिस्टर कराते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, स्मॉल बिजनेस। तो गाइस सिक्किम में स्मॉल बिजनेस ही है मोस्टली, और मैंने गूगल पर चेक करा था तो उसमें भी यही आया था कि गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज निकाल रही हैं कि वहाँ का स्मॉल बिजनेस बढ़े, और वहाँ की क्राफ्ट इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, ये सब बहुत आगे जा चुका है कि बाहर की कंट्रीज़ में भी एग्जीबिशन होता है, एक्सपोर्ट होता है। सो बेसिकली सिक्किम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे नॉर्मली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही होती हैं, एंड दिल्ली में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा नहीं प्रमोट किया जाता है, एज लोग ना ब्रांड्स वगैरह के पीछे भागते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एज़ कम्पेयर टू सिक्किम पीछे रह चुकी हैं। सो गाइस नेक्स्ट चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। गाइस इस चैप्टर में आप कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड गवर्नमेंट्स, या गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं दिल्ली एंड सिक्किम के बिजनेस के लिए, या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ के बिजनेस की टूवर्ड सोसाइटी या गवर्नमेंट, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस होगा। लाइक सिक्किम में तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, दिल्ली में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। तो ऐसे कई पॉइंट्स होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड, तो आप उस पर कंपैरिजन कर सकते हैं। ये थे कुछ पॉइंट्स बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में, अब बात करते हैं अकाउंट्स प्रोजेक्ट के बारे में। सो गाइस अकाउंट्स प्रोजेक्ट में तो ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं दिया जाता, उसमें बस आपको एक केस स्टडी दी जाती है, उसमें आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सभी बनाना होता है, तो वो प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा बेसिक एंड सिंपल रखना होता है। आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि कैसे प्रोजेक्ट को सिंपल रखें और अट्रैक्टिव भी लगे।
एंड गाइस कुछ स्कूल्स में होता है कि यही प्रोजेक्ट 12th में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो आप एक बार अपनी टीचर से ज़रूर कंफर्म करें एंड उसी हिसाब से प्रोजेक्ट बनाएं। अगर वो 12th में कैरी फॉरवर्ड होना है तो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं, अगर नहीं तो आप उसको सिंपल बना सकते हैं। आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है 12th का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, और अगर ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करनी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो कैसे डल शीट्स को भी अच्छा बना सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट की। सो गाइस इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में मुश्किल से 4 चैप्टर्स हैं माइक्रो के ही जिसमें प्रोजेक्ट बन सकता है। सो इको प्रोजेक्ट में तो नॉर्मली थ्योरी ही कॉपी पेस्ट करनी होती है, बट इसमें केस स्टडी मस्ट है, चाहे आप 11th में हो चाहे 12th में, इको प्रोजेक्ट में केस स्टडी मस्ट है। सो बेसिकली इको प्रोजेक्ट में आपको थ्योरी लिखनी होती है, डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह, और एट लास्ट आपको केस स्टडी डालनी होती है उसमें कुछ करंट, लाइक 2 साल पहले की या अभी करंट की केस स्टडी। तो करंट तो आपके पास बहुत ज़्यादा लाइफ एग्जांपल्स है कि कैसे कोविड की वजह से सप्लाई पे फ़र्क पड़ा या कैसे डिमांड पे फ़र्क पड़ा कि लोग अब ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे तो डिमांड कम हो गई है, कैसे सप्लाई पर फ़र्क पड़ा कि वर्कर्स नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो सप्लाई पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, एंड मेनली कि कैसे कोविड की स्टार्टिंग में लॉकडाउन के वक्त एकदम से ग्रोसरी, मिल्क, वेजिटेबल्स की डिमांड बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, कि लोग एक एक साथ 15-15, 20-20 दिन का वेजिटेबल्स ले रहे थे या एक साथ इतने सारे महीनों का राशन। सो गाइस 2020 में कुछ अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी हुई है, 11th और 12th क्लास के बच्चों को केस स्टडीज मिल गई हैं। जोक्स अपार्ट, वी ऑल विश ये 2020 जल्दी से खत्म हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप आपका ये वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड आई होप आपको ये वीडियो ने हेल्प किया हो। अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी से 100 सब्सक्राइबर पर जा दो, बिल्कुल थोड़ा सा गैप है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।